श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ खास उपाय बताए हैं, जो कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। एकादशी के दिन यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करना किसको है? यह उपाय उसके लिए है जिसके घर में रुपया पैसा रुकता नहीं हो, कमाई अच्छी खासी हो रही है लेकिन रुपये पैसे का पता चलता ही नहीं है। एक तरफ से पैसा आता, दूसरे तरफ निकल जाता, एक तरफ से आता, दूसरे तरफ से निकल जाता है, ऐसा हमेशा लगा हुआ है घर में। तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास है। यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए उसके लिए विशेष ध्यान से देखें। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल और 7 बेलपत्र, थोड़ा सा गंगा जल एक लोटे में आप गंगा जल भर लें और उसके अंदर 7 बेलपत्र डाल लें। वीडियो को ध्यान से देखें। एक लोटा गंगा जल और गंगा जल के अंदर आप 7 बेलपत्र डाल दें। 7 बेलपत्र डालकर लेकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जो आप जल लेकर गए हैं, वह जल आप नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पैर के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और उसके बाद उसमें जो 7 बेलपत्र है, उस 7 बेलपत्र को निकाल कर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। यह उपाय करके आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी, पैसे से संबंधित, रुपए पैसे से संबंधित जो भी परेशानी होगी, आपके घर में कितना भी तंगी मची होगी, आपके घर में कितनी भी परेशानी होगी, भोले बाबा की कृपा से इस एकादशी को करेंगे तो इसका लाभ आपको अगली एकादशी आते आते आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ और आपके घर में कितना शांति आई, कितना सुकून मिला। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को परिवारजनों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव।